नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। तो कंजंक्शंस के बारे में बात चल रही थी, तो होपफुली आप सभी के जब मैसेजेस आ रहे हैं, जब जब आप अपनी कंजंक्शंस को इंटरलिंक करते हैं होरोस्कोप के साथ, तो आपका प्रिडिक्टिव पार्ट काफ़ी सही हो रहा है। तो आप कोशिश करें, अगर किसी प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में आप बात करना चाहते हैं या स्पेशल किसी पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जाकर हमें बता सकते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद जो हम कंजंक्शंस कर रहे थे, अब हम जिस कंजंक्शन की बारी है वो है सन और सैटर्न के बारे में। देखिए, सन और सैटर्न को अगर मैं ध्यान से देखें, जनरली एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में सन और सैटर्न को बहुत बुरा कहा जाता है, लेकिन ये इतना बुरा है नहीं जितना इसके बारे में कहा जाता है। अगर मैं शनि की बात करूँ, शनि डायरेक्टली हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं जिस घर में हमारा शनि बैठा होता है वहाँ पर हमें उस घर के प्रति ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, उस घर की चीज़ों के प्रति काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि उस घर की जिम्मेवारी हम खुद उठाना बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अगर देखा जाए तो शनि और सूर्य को पिता पुत्र की उपाधि दी गई है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ एक हार्डवर्किंग प्लैनेट होना, जहाँ तक को एक पॉजिटिव साइड में देखा जाए, तो बहुत बड़ी एक मैच्योरिटी देता है। सूर्य और शनि जिस घर के ऊपर होंगे, सूर्य जैसे हमने देखा ये कारक है रॉयल्टी का, ये कारक है डिसिप्लिन का, ये कारक है सरकार का, और अगर शनि के बारे में देखा जाए तो शनि कारक है जॉब का, सर्विस प्रोवाइडिंग का। ऐसे जातक कई बार किसी बड़े औहदे का बैकबोन भी हो सकते हैं, मतलब किसी सरकारी डिपार्टमेंट की बैकबोन भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दसवें घर के साथ हो जाए, तो जातक अपने हार्डवर्क के बलबूते के ऊपर बड़ा ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार है और शनि जो है ये कारक है। किस चीज़ का? शनि कारक है हमारी हार्डवर्किंग नेचर का, सर्विस प्रोवाइडिंग का, और हमारी जॉब का। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ देखेंगे, जिस घर में ये दोनों होंगे उस घर के प्रति हमारी थॉट बड़ी मच्योर हो जाती है, हमें उस घर के ऊपर जिम्मेवारी उठाना अच्छा लगता है। मान लीजिए अगर किसी के बच्चों वाले घर के ऊपर शनि और सूर्य बैठ जाएंगे, तो ऐसे जातक क्या करेंगे, स्पेशली अपने बच्चों की जिम्मेवारी खुद उठाना बहुत ज़्यादा सही समझेंगे, और कई बार ऐसे जातकों को हार्डवर्क किस चीज़ को लेकर करना पड़ता है, अपनी एजुकेशन को लेकर, या हम कह सकते हैं ये खुद ही अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, और इनको नेम फेम भी अपनी एजुकेशन या बुद्धि के बलबूते के ऊपर मिलता है। ये सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हम तीसरे घर में देखा जाए, तीसरे घर में सूर्य और शनि का प्रभाव होगा, ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, ये इनको बहुत रहेगा कि ये अपने भाई बहनों को जो भी करें बहुत दिल से करें और बड़े हार्डवर्क के साथ करें, और वैसे भी सूर्य शनि की कंजंक्शन तीसरे घर में बड़ी हार्डवर्किंग होती है। अगर हम दूसरे घर में बात करें, दूसरे घर में सूर्य और शनि जैसा प्लैनेट, सूर्य जो कि रिप्रेजेंट करता है सच को, शनि है स्लो प्लैनेट है, तो ऐसे जातक कम बोलने वाले होंगे, लेकिन जितनी भी बात करेंगे वो सच्चाई में और लॉजिक के साथ करेंगे। लग्न की बात की जाए, लग्न में सूर्य और शनि का प्रभाव जातक को हार्डवर्किंग बनाता है, लेकिन कॉन्टिन्यू बनाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की जो ट्रेट्स हैं वो बेसिकली सूर्य के ट्रेट्स हैं। सूर्य में पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, शनि हार्डवर्क है, ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी के हार्डवर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा पंचुअल रहते हैं और कंटिन्यू हार्डवर्क करते हैं। यही चीज़ अगर देखा जाए चौथे घर में, अगर सूर्य शनि की कंजंक्शन होगी, ज़्यादातर ऐसे जातक जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे सरकारी प्रॉपर्टी में करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य सरकार है, शनि प्रॉपर्टी है, और चौथा घर सरकार और प्रॉपर्टी का कारक होता है। छठा घर जो हमारी बीमारी का घर होता है, छठे घर के अंदर सूर्य और शनि की कंजंक्शन जब होगी, तो जातक की बॉडी एक होने के चांसेस होती हैं, लेकिन ये बॉडी एक का जो कारण बनेगा, ये कौन सा प्लैनेट बनेगा, सूर्य बनेगा, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक है, तो ज़्यादातर जो हड्डियों का वीक हो जाना और हड्डियों में दर्द होना, ऐसे जातकों के ट्रेट्स देखे जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स को मिलाकर ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ऐसे ही सूर्य और शनि का संबंध सातवें घर में होना, क्योंकि नैसर्गिक तौर के ऊपर ये कहीं ना कहीं दुश्मन भी है, तो ऐसे जातकों का जो स्पाउस के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकती हैं, अपने पार्टनर्स के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकती हैं, और सूर्य शनि एक सेपरेटिव टेंडेंसीज के प्लैनेट हैं, बहुत बार अपने स्पाउस के साथ शॉर्ट टर्म सेपरेशन भी हो सकती है। ऐसे ही आठवें घर के ऊपर सूर्य शनि का प्रभाव जातक को हिडन भी बनाता है, लेकिन उसके सीक्रेट्स छिप नहीं पाते, क्योंकि सूर्य रोशनी का कारक है, शनि अंधेरे का कारक है, शनि जातक को सीक्रेट बनाता है और सूर्य उसको रिवील कर देता है। ऐसे ही भाग्य को लेकर जातक को नेम फेम तो ज़िंदगी में मिलेगा, लेकिन बड़े धीरे धीरे नेम फेम मिलेगा, और जातक के भाग्य के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी लिखा होता है, मतलब उसको जो नेम फेम मिलेगा हार्डवर्क के द्वारा ही मिलेगा, विदाउट हार्डवर्क नहीं मिलेगा। अगर हम दसवें घर की बात करें, शनि जो कि नौकरी का कारक है, सूर्य जो कि सरकार का कारक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन नैसर्गिक तौर के ऊपर, नेचुरल तौर के ऊपर
ये एक एनिमी प्लैनेट है, तो ऐसे जातकों का अपने क्योंकि यहाँ से उनकी सातवीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर भी जाती है, जैसे कि मैंने कहा, ऐसे जातकों का अपने वर्किंग इन्वायरमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं अपने कोलीग्स के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस रहता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए ग्यारहवें घर में सूर्य शनि का प्रभाव जातक को डिज़ायर में थोड़ा सा डिले कर देता है, क्योंकि सूर्य एक आग का गोला है, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। जातक को जिंदगी में गेन बड़ा धीरे होता है लेकिन कंटिन्यू होता है। बारहवें घर में सूर्य और शनि का प्रभाव, शनि एक स्लो प्लैनेट है, सूर्य कट्टरता का प्लैनेट है, तो ऐसे जातक विदेश को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं रहते, और ऐसे जातकों का कभी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि ये विदेश जाए ही जाए, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं कट्टरता को और शनि स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यह है हमारे सूर्य और शनि की कंजंक्शन। ये हमेशा से बुरी नहीं है, ये हमारा हार्डवर्क है, लेकिन हार्डवर्क किसके साथ होता है? हार्डवर्क हमारी कॉन्टीन्यूटी के साथ होता है, हमारे पंचुअल के साथ होता है। इसीलिए पेशेंस के साथ हार्डवर्क करना, ये शनि और सूर्य दोनों के टेंडेंसीज हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना इनको जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो अभी इसके साथ ही हम दूसरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं, वो है सन और राहु। देखिए, जैसे हम सबको पता है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, और अगर सूर्य के बारे में तो हमने पहले पढ़ा है, सूर्य की चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अगर हम राहु की बात करें तो राहु विदाउट ब्रेन है, विदाउट ब्रेन। और अगर मैं कहूँ कि एक फियर को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है, और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जो एक स्ट्रेसफुल पोजीशन होती है वो डायरेक्टली राहु को रिप्रेजेंट करती है। हमारा एडवेंचर, सडन कोई भी प्रॉब्लम होना, हमारी ज़िंदगी में सडन इवेंट होना, बेसिकली राहु के टेंडेंसीज है। अगर इन दोनों के बारे में बात की जाए तो ये दोनों डायरेक्ट एनिमीज़ हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों को अगर मिलाकर बात की जाए तो ये डबल ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य और राहु। सूर्य और राहु देखिए, ऐसी ईगो, ऐसी एनर्जी जिसका दिमाग नहीं है। आप देखेंगे जिस घर के ऊपर सूर्य और राहु दोनों का प्रभाव होगा, जातक को उस घर के रिजल्ट अचानक मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमेशा सडन इवेंट्स होंगे। मान लीजिए अगर लगन के ऊपर होगा तो जातक, लगन का संबंध किसके साथ होता है? लगन का संबंध हमारी नेचर के साथ होता है, और लगन का संबंध हमारे नेम फेम के साथ होता है। अचानक नेम फेम मिलना और अचानक जातक को ज़िंदगी में, समाज में नेम फेम ना मिलना, डी नेम फेम मिलना, इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नाम का ख़राब होना, नाम तो होगा लेकिन वो ख़राब होकर हो सकता है, जातक के बारे में अफवाहें फैल सकती हैं, और बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा जातक को अपने मूड स्विंग्स बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस घर के ऊपर इन दोनों का प्रभाव होगा वहाँ पर जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं रह सकती, क्योंकि किसी भी तरीके के बारे में अगर फियर देखा जाए तो ऐसे जातकों को फियर रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, लेकिन किस चीज़ को लेकर? अपनी नेचर को लेकर, जैसे एकदम से अग्रेसिव हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, और ऐसे जातकों को कई बार हेल्थ के रिलेटेड भी कई सारे इशू फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य नेचुरल तौर के ऊपर हमारी हेल्थ का कारक है और राहु एक इल्यूजन को क्रिएट करता है, जातक की प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हो पाती। इसी प्रकार सूर्य राहु का संबंध दूसरे घर पर होना, जातक को अपने परिवार में अचानक नेगेटिव चीज़ें होना, अचानक पैसे का खर्च हो जाना, अचानक पैसे का जुड़ जाना, ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तीसरे घर के ऊपर सूर्य राहु का प्रभाव जातक को अचानक उसके किसी भी काम के स्टार्टिंग में रुकावट पैदा कर सकता है। चौथे घर की बात की जाए, अगर चौथे घर में सूर्य राहु का प्रभाव होगा तो स्वाभाविक बात है दोनों एक एनिमी प्लैनेट है, डायरेक्टली एनिमी है, तो चौथे घर पे राहु का और सूर्य का प्रभाव होना जातक के घर में लॉट्स ऑफ ओपिनियन डिफरेंसेस लेकर आ सकता है, और घर का माहौल बहुत सारे झगड़े वाला भी हो सकता है, और हो सकता है जातक के घर में या जातक को अपनी मदर के साथ कोई किसी ना किसी तरह की विचारधारा ना मिले। पांचवें घर में सूर्य और राहु का प्रभाव ज़्यादातर जातक को वन साइडेड अट्रैक्शन दे सकता है, और ऐसे जातकों का जनरली अपनी लाइफ में, अपने लव अफेयर में ब्रेकअप होना आम बात देखी गई है। और सूर्य राहु जो कि सेपरेटिव टेंडेंसीज के प्लैनेट हैं, और पांचवा घर हमारे दिमाग का घर होता है, रॉन्ग डिसीजंस होना और एजुकेशन में ब्रेक लगना ये स्वाभाविक बात है। छठे घर के ऊपर सूर्य एक आग का गोला है और राहु एक इल्यूजन का प्लैनेट है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे जातक की बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती, उसकी बॉडी के ऊपर कई बार ऐसी बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं जो पता ना लगे किस चीज़ को लेकर हो रही है। सातवें घर में सूर्य राहु का प्रभाव मैरिड लाइफ को ज़्यादातर डिस्टर्ब करता है, कि सूर्य जो ईगो है, अगर ईगो ऐसी ईगो होगी जिसका धड़ ही नहीं होगा, इसका मतलब वो ईगो चल नहीं पाएगी, उसकी टांगे नहीं हैं, तो इसका मतलब स्पाउस के साथ लॉट्स ऑफ ओपिनियन डिफरेंसेस होना बहुत बार शादी वाले घर में देखा जा सकता है, और इन ओपिनियन डिफरेंसेस में ज़्यादातर ईगो क्लैशेस, शक और वहम भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, क्योंकि राहु इज़ ऑल्सो कारक ऑफ शक और वहम। आठवें घर में सूर्य राहु का संबंध होना जातक की ज़िंदगी में एक मिस्टीरियस डेथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रहस्यमय डेथ हो सकती है, क्योंकि सूर्य
सूर्य इस कार का ऑफ सेल्फ, सूर्य हमें ही रिप्रेजेंट करता है, और जो राहु रिप्रेजेंट करता है, राहु एक सस्पिशियस और पॉइजन को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट होता है। नौवें घर में जनरली ईगो के कारण अपने गुरुओं से डिफरेंसेस हो जाना, बिकॉज राहु इस कार का ऑफ डिफरेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन, और सन इस कार का ऑफ जिद्दी नेचर, ईगो। ऐसे प्लैनेट्स का प्रभाव नौवें घर पे ऊपर होना ज़्यादातर अपने गुरुओं के साथ या ज़्यादातर अपने धर्म के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस को इंटरलिंक करता है। दसवें घर में सूर्य राहु का प्रभाव जातक की ज़िंदगी में कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, और राहु एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश का कारक है। दोनों का संबंध चौथे घर के ऊपर होना, चौथा घर जो कि सिर्फ ना कि हमारे घर के, हमारे फैमिली इन्वायरमेंट को भी, हमारे सॉरी कारोबार के इन्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने कारोबार वाली जगह के ऊपर बहुत सारी साजिश होना, कॉन्स्पिरेसी होना आमतौर पर देखा जाता है। सूर्य राहु का संबंध ग्यारहवें घर के ऊपर होना जातक को ज़िंदगी में बहुत हार्डवर्क के बाद गेन करवाता है, और बारहवें घर में सूर्य और राहु जातक का फ्रीक्वेंट ट्रैवल कराता है फॉरेन के रिलेटेड, बिकॉज राहु इज कार ऑफ फॉरेन ट्रैवल का। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार दो प्लैनेट्स की कंजंक्शन हर घर में आकर अपना अलग से रोल बना लेती हैं। इसको बार बार देखें, बार बार समझें, और इन लाइनों को यहीं तक सीमित न रखें, खुद इसको इंटरलिंक करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक समुंदर है, एक बहुत बड़ा ज्ञान है। तो सिर्फ इन लाइनों तक सीमित ना रहें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी इनको जितना ज़्यादा मैं समय दर समय एलैबोरेट करता जाऊँगा, आप उसको इंटरलिंक करते जाएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।